नमस्कार, मैं वीर सिंह आज की खास बात में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की खास बात में हम बात करेंगे कि महाराष्ट्र में शिवसेना के मुख्यमंत्री रहने के बाद भी विदर्भ और खास करके नागपुर में शिवसेना की क्या परिस्थिति है। नागपुर जहां शिवसेना का गढ़ हुआ करता था और आज वहां पे उसकी क्या परिस्थिति है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। और क्या नागपुर और विदर्भ से शिवसेना का सूर्य अस्त हो रहा है, इस पे भी हम आज चर्चा करेंगे। और अगर यह परिस्थिति आखिर क्यों आई है, पिछले 20 वर्षों में आज हम शिवसेना को टटोलेंगे और आपसे चर्चा करेंगे। पिछले 20 वर्षों में और ख़ास करके हम नागपुर की बात कर रहे हैं, तो नागपुर का जो ग्रामीण इलाका है उसे रामटेक लोकसभा कह सकते हैं। और रामटेक लोकसभा में सन 2099 से लेकर अभी तक हमेशा से सिर्फ और सिर्फ शिवसेना के ही लोकसभा सदस्य यहाँ से बनकर चुनकर गए हैं, सांसद चुनकर गए हैं। सिर्फ एक कालखंड ऐसा रहा है 5 वर्ष का, 2009 से 2014 तक, जिसमें कांग्रेस के मुकुल वासनिक यहाँ से लोकसभा सदस्य चुनकर गए थे। पिछले 20 वर्ष की बात करें तो लोकसभा और विधानसभा हर चुनाव में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन हुआ, लेकिन सन 2014 के महाराष्ट्र विधानसभा में पहली बार यह गठबंधन टूटा और बीजेपी और शिवसेना के आलाकमान ने अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया। लेकिन यह फैसला विदर्भ से शिवसेना के पतन का सबसे बड़ा कारण बना, क्योंकि इस चुनाव में शिवसेना का यहाँ से गढ़ यानी कि रामटेक लोकसभा अंतर्गत 6 विधानसभा आते हैं। इन 6 के 6 विधानसभा में शिवसेना को करारी हार का सामना करना पड़ा। बात महज हार और जीत की नहीं थी, लेकिन इस हार में शिवसेना से जो चेहरे उम्मीदवार थे जो उन्हें हार का सामना करना पड़ा, यह सबसे बड़ी बात मानी जाती थी। अब हम बात करते हैं रामटेक लोकसभा में कितने विधानसभा हैं। तो रामटेक लोकसभा में कुल 6 विधानसभा आते हैं, हिंगना, कामटी, काटोल, सावनेर, उमरेड और रामटेक। तो आज हम इस 6 विधानसभा भी चर्चा करेंगे कि इस 6 विधानसभा में शिवसेना की क्या परिस्थिति है। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंगना विधानसभा की। दोस्तों, इस विधानसभा की बात करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि इस विधानसभा में शिवसेना के तत्कालीन जो सबसे बड़े चेहरे थे प्रकाश यादव जी, उनको यहां से उम्मीदवारी दी गई थी। बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन में बायपोल इलेक्शन में सुबोध मोहिते, जो कि एक बड़ा चेहरा माना जाता था, सुबोध मोहिते को हरा कर सांसद बने प्रकाश यादव। और हिंगना विधानसभा से 2014 के चुनाव में शिवसेना से प्रकाश यादव को उम्मीदवारी दी गई थी, लेकिन एक खासदार होने के बाद भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। माना जाता है कि शिवसेना के पतन की शुरुआत का इशारा यहीं से शुरू हो गया था। और उसके बाद बात करते हैं कामटी मौदा विधानसभा की। तो इस विधानसभा में एक समय बीजेपी शिवसेना के गठबंधन में जिला परिषद चुनाव हुए थे और उस चुनाव में जिला परिषद उपाध्यक्ष रहे तापेश्वर वैद्य, इन्हें उम्मीदवारी दी गई थी और इन्हें उस समय हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि 2019-20 में जो जिला परिषद नागपुर चुनाव हुए थे उसमें तापेश्वर वैद्य जी शिवसेना छोड़कर के कांग्रेस में आए, कांग्रेस से जिला परिषद इलेक्शन लड़े और वो जीत गए और फिलहाल नागपुर जिला परिषद में वे अभी कृषि सभापति इस पद पर वहाँ पर विराजमान हैं। और उसी प्रकार हम देखते हैं कि काटोल विधानसभा से 2014 की इस चुनाव में क्या हुआ था, शिवसेना के उम्मीदवार कौन थे, उसके बारे में भी आज हम चर्चा करते हैं। नरखेड़ पंचायत समिति के सभापति रहे राजू हरने को काटोल विधानसभा से उम्मीदवारी दी गई थी, यानी पूर्व सभापति को भी हार का सामना करना पड़ा। और उसी प्रकार सावनेर विधानसभा की बात करें तो सावनेर विधानसभा से सोनबा मुसड़े, इनकी हार हुई थी। लेकिन खास बात ये थी कि सन 2014 में इस चुनाव में बीजेपी ने अपना कोई उम्मीदवार यहाँ से नहीं उतारा था मैदान में, उसके बाद भी यहाँ से सोनबा मुसड़े की हार हुई थी जो कि शिवसेना के उम्मीदवार थे। और उसी प्रकार उमरेड विधानसभा की बात करें तो इसमें भी शिवसेना को हार का सामना करना पड़ा था। और इसमें खास बात क्या है, हम उस पर नज़र डालते हैं। उमरेड विधानसभा से 2014 में राजू पारवे ने शिवसेना से टिकट मांगा तो था, लेकिन शिवसेना ने उन्हें टिकट ना दे करके उम्मीदवारी जगन्नाथ अभ्यंकर को दी। हुआ यूं कि राजू पारवे 2014 में निर्दलीय चुनाव लड़े और शिवसेना के उम्मीदवार से अधिक मत लिए। हालांकि इस चुनाव में जीत बीजेपी के सुधीर पारवे की हुई। और इसके बाद
हम चर्चा करेंगे रामटेक विधानसभा की, और यह विधानसभा महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण क्यों है यह भी आज हम आपको बताते हैं। जब 2019 में जब इलेक्शन हुआ तो शिवसेना के लिए अच्छी खबर नहीं आई थी, क्योंकि अभी तक हमेशा से ऐसा होता रहा है कि नागपुर जिले में जब भी शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन हुआ तो रामटेक विधानसभा हमेशा से शिवसेना के कोटे में रहता था, लेकिन 2019 में यह कोटा गठबंधन के बाद भी बीजेपी के खाते में चला गया, और यहाँ से फिर उम्मीदवार चेंज हो गए, क्योंकि उम्मीदवार उस समय जो रूलिंग विधायक थे डीएम रेड्डी, उन्हें दी गई। लेकिन अब सवाल खड़ा हो गया कि आशीष जायसवाल वो क्या करेंगे, तो उन्होंने फैसला लिया कि वो निर्दलीय लड़ेंगे, और उस समय 2019 में वो निर्दलीय लड़े और निर्दलीय चुनकर आ गए। और इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि इसी प्रकार जिला परिषद नागपुर की भी चर्चा करते हैं, तो पूरे ज़िले में आखिर शिवसेना के कितने सदस्य हैं जिला परिषद के, ये आपको जानने की आवश्यकता है। और जानेंगे तो ज़रूर मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा चौंक जाएंगे, क्योंकि पूरे ज़िले में आज वर्तमान में शिवसेना के सिर्फ और सिर्फ एक जिला परिषद सदस्य हैं, और जिनका नाम संजय झाड़े हैं। जी हाँ, 2020 के जनवरी में जिला परिषद चुनाव हुए थे, और उस चुनाव में सिर्फ और सिर्फ एक शिवसेना का कैंडिडेट चुन कर आए, और जिनका नाम संजय झाड़े हैं। तो आगे बात तो हम करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि संजय झाड़े जी से हमारी बातचीत हुई है, तो उनसे जो बातचीत हुई है उस पे भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं, उन्हें सुनते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ इस वक्त उपस्थित है संजय झाड़े जी, जो नागपुर जिला परिषद के सदस्य हैं, और ख़ास बात यह है कि नागपुर ज़िले से शिवसेना के एकलौते एकमेव सदस्य हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे चैनल पे। हम ये जानना चाहते हैं कि आप अकेले ऐसे हैं जो जिला परिषद सदस्य हैं, और आप शिवसेना के अकेले सदस्य हैं यहाँ पूरे ज़िले से, तो इससे आपको हताश महसूस होता है या फिर इससे आपको गर्व महसूस होता है अकेले होने में? मैं बाला साहब ठाकरे का शिवसैनिक हूँ जी। मैं शिवसेना से चिन्ह का शिवसेना सिम्बॉल पे चुन के आया हूँ, और मुझे गर्व है, मुझे उसमें कोई हताशा नहीं है। लेकिन अगर हम एक ग्राफ की बात करें, जैसे हम लोग अभी रामटेक लोकसभा की बात कर रहे हैं नागपुर ग्रामीण में, तो हमेशा से ग्रामीण में शिवसेना का गढ़ रहा है लोकसभा की अगर हम बात करें तो, लेकिन उसके बाद भी जो हम देख रहे हैं कि आपके पार्टी का ग्राफ और कार्यकर्ताओं में निराशा हमेशा निरंतर छाई जा रही है, तो इस बारे में फिर आपका क्या कहना है? ये दुर्भाग्य है हमारे विदर्भ के लिए, खासकर नागपुर ज़िले के लिए, और महाराष्ट्र के लिए भी ये दुर्भाग्य जैसी बात है कि जहाँ मुख्यमंत्री शिवसेना का होते हुए भी हम हमारे पार्टी का ग्राफ नहीं बढ़ा पा रहे हैं, हमें इस बात की बहुत हताशा है। और हमारे नागपुर रामटेक की जो हालत आज है उसके लिए कौन जिम्मेदार है कौन नहीं, इसकी पार्टी ने गहन चर्चा करना चाहिए, उन्होंने परीक्षण करना चाहिए कि क्या वजह है कि हम विदर्भ में आज चौथे नंबर पे है, और स्थिति अगर ऐसी रही तो मुझे नहीं लगता कि हम चौथे नंबर से पाँचवें पे कब आएंगे और छठवें पे कब आएंगे, ये बता नहीं सकते। लेकिन इस समय तत्काल में वर्तमान में रामटेक लोकसभा से आप ही के सिंबल से, पार्टी के सिंबल से खड़े कृपाल तुमाने जी हैं जो लोकसभा के सदस्य हैं लगातार दूसरी बार, तो एक बड़ा चेहरा रामटेक लोकसभा से और आपके पार्टी से है, तो फिर उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, या फिर सही हो रहा है, गलत हो रहा है, फिर आपका उस पर क्या राय है? सांसद होना और कार्यक्षेत्र में काम करना, ये दोनों अलग अलग बात हैं। सांसद है, 10 साल से सांसद है, उनका भी दूसरी रेजिम है, पर काम करते समय जमीनी कार्यकर्ता को कैसे टिकाना, जमीनी कार्यकर्ताओं के करीब कैसे पहुंचना, यहाँ हमारे सांसद साहब थोड़े कमज़ोर है। मतलब ऐसा समझा जाए कि सांसद साहब का जो नियोजन है कार्यकर्ताओं को लेकर, क्षेत्र को लेकर के, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आपके हिसाब से कि कुछ गड़बड़ी है? गड़बड़ी तो मैं बोलूँगा ही जी, क्योंकि आज ऐसी स्थिति है कि हम जिला परिषद लड़ते वक्त मैं सिर्फ अकेला चुन के आया जी। हम उसके बाद पूरे ज़िले में एक भी कोई चुन के नहीं आया। रामटेक विधानसभा छोड़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी तालुके में कोई भी शिवसेना का उम्मीदवार दूसरे नंबर पर भी पहुँचाऊँगा। अब रामटेक विधानसभा की बात हुई है तो मैं, ये आप जानते हैं कि लगातार 3 बार, मेरे ख्याल से 1999 से लगातार तीसरी बार यहाँ से विधायक रहे आशीष जायसवाल जी। 2014 के चुनाव में युति टूटी, अकेले लड़े, हार गए। 2019 के चुनाव में फिर अपक्ष लड़े, निर्दलीय लड़े, जीत गए। अब यहाँ से जो कोटा था जो शिवसेना का हुआ करता था,
अब विधानसभा से आपके विधानसभा से तो वो कोटा भी बीजेपी के पास चला गया इस बार के गठबंधन में 2019 के, तो फिर उसका क्या इफेक्ट पड़ा फिर आपको? पर हम कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि हमें लड़ना है, क्योंकि हमारे साहब का एक वजन है एक इस एरिया में, व्यक्तिगत लोगों से रिलेशन है, और इतने पुराने कार्यकर्ता शिवसेना के, तो हम अपने शिवसेना कहीं ना कहीं मजबूत, हम छोड़ नहीं सकते, उनका साथ नहीं छोड़ सकते, इसलिए हमने उनको प्रेरित किया कि लड़ो, और अपक्ष के तौर पे वो चुन के आए, और जिस दिन वो चुन के आए उसके दूसरे दिन वो शिवसेना में समर्पित हो गए। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और आपने बहुत सारी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, सबसे पहला जो सवाल था हमारा शुरुआत में कि आखिर शिवसेना का पतन क्यों हो रहा है, उनका सूर्य विदर्भ से और नागपुर से अस्त होते क्यों दिख रहा है, तो इस पे कुछ अटकलें हमने भी निकाले और जो हम आपसे बताना भी चाहते हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सारे चीज़ों को जब हम एक बार मंथन किए, एक बार उसको एनालाइज़ किए, तो हमने देखा कि 2014 के चुनाव में अकेले चुनाव लड़ना एक सबसे बड़ा गलत फैसला था शिवसेना के लिए, और उस चुनाव में जो टिकट बंटवारे हुए हैं उसमें भी कुछ टिकट बंटवारों में गलतियां हुई हैं, जिसकी वजह से आज शिवसेना यहां से अस्त होते हुए दिख रहा है। उसके बाद शिवसेना अपने कार्यकर्ताओं को टिका करके रखने में सक्षम नहीं है, उसमें फेल माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आज शिवसेना के पास में कोई नियोजन करके चलने लायक ऐसा कोई चेहरा फिलहाल नहीं है, जिसके कारण शिवसेना का सूर्य अस्त होते हुए दिख रहा है। और एक सबसे बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि एकलौता विधानसभा था रामटेक, जहां 2014 तक विधानसभा के जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें वो कोटा शिवसेना के पास हुआ करता था, क्योंकि हमेशा से गठबंधन के चुनाव हुए थे बीजेपी और सेना के पास में। लेकिन 2019 में यह कोटा जब बदल दिया गया और शिवसेना से उसे बीजेपी में उस कोटा को जो बदल दिया गया, उसकी वजह से भी शिवसेना की एक बड़ा नुकसान यहाँ पर माना जाता है। और जो अधिवेशन, जो विधानसभा अधिवेशन होते हैं, सत्र होते हैं, वो नागपुर में हुआ करता था, लेकिन अब वह सत्र नागपुर में नहीं हो रहा है, और अभी तक अभी जो पिछले 3 वर्षों में एक भी सत्र नागपुर में नहीं हुए हैं, सारे सत्र मुंबई में ही हुए हैं, जिसकी वजह से सिर्फ नागपुर का नहीं बल्कि विदर्भ और हमारे आसपास के सारे क्षेत्र का महाराष्ट्र में एक बड़ा नुकसान है, जिसकी वजह से लोगों को यह भी लगता है कि महाराष्ट्र में विदर्भ को आखिर फिलहाल जो सरकार है वह इस तरीके से भेदभाव और सौतेले नज़र से क्यों देख रही है। एक सबसे बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि महाआघाड़ी की जो सरकार है उसकी वजह से भी एक फर्क पड़ सकता है, एक असर पड़ सकता है, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि यह चर्चा तब हम करेंगे जब कोई चुनाव होगा और उसमें बीजेपी शिवसेना और बाकी जो कांग्रेस अन्य पार्टियाँ हैं कौन कितना मजबूत होता है कितना कमज़ोर है, वो तो आने वाले किसी चुनाव के बाद ही हम चर्चा करेंगे कि महाआघाड़ी की सरकार में शिवसेना को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। तो ऐसे कई कारण हैं और कई सवाल हैं, कई जवाब हैं जो लोगों के मन में हैं, और हमने आपसे चर्चा भी किया है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही, और आगे हम दूसरे एपिसोड में आज की खास बात में एक अहम मुद्दे पर हम बात करेंगे। और यदि आपके पास कोई खास मुद्दा है या कोई परेशानी है, चाहे कोई उत्पीड़न है या कोई भ्रष्टाचार है, तो आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं और हम उस पर ज़रूर सवाल उठाएंगे और आपके मुद्दों को सामने लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।